हेलो आर्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति आर्ट एंड सोल। एंड आज हम कृष्णा जी की ड्राइंग कंप्लीट करेंगे वाटर कलर के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वाटर कलर ड्राइंग के लिए यूजुअली राउंड ब्रश यूज़ में लेते हैं। इससे इजीली वाटर आप ले सकते हैं और इसकी जो टिप से है वो आउटलाइन इजीली हो जाती है। सबसे पहले हम ब्रश के हेल्प से पानी स्प्रेड कर लेंगे इवनली, और उसके बाद मैंने अल्ट्रामरीन थोड़ा सा कलर लेके उसे पानी में मिक्स कर दिया है और अब इसे हम स्प्रेड करेंगे। ये सबसे फर्स्ट लेयरिंग होगी और हम अभी इसमें जो भी वाटर कलर करेंगे वो लेयरिंग मेथड के थ्रू करेंगे। लेयरिंग मेथड से लुक अच्छा दिखाई देता है और थोड़ा सुंदर ड्राइंग सुंदर दिखाई देती है। तो हम पूरी बॉडी में और पैरों में अल्ट्रामरीन ब्लू स्प्रेड कर लेंगे इवनली और फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर लेंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगी उसके बाद हाइलाइटेड एरिया छोड़ के हम थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे। सेकेंड लेयर ड्राई होने के बाद हम थर्ड लेयर करेंगे और वो उसे थोड़ा सा डार्क करेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे जैसे ही ड्राई होता जाएगा उसके बाद हम लेयरिंग करते जाएंगे। रेफरेंस इमेज मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। और जहाँ जहाँ हमें लाइटनिंग एरिया छोड़ना है वो एरिया हम छोड़ के, और जहाँ डार्क पोर्शन होगा वहाँ हम धीरे धीरे लेयरिंग के थ्रू डार्क करते जाएंगे। आईब्रोज़ की फर्स्ट लेयर ब्राउन कलर की होगी, उसके बाद जो सेकंड लेयर होगी वो ब्लैक कलर से होगी। तो हम ऐसे ही दोनों आईब्रोज़ एंड आईज़ कंप्लीट कर लेंगे। जब भी हमें आउटलाइन करनी है तो ब्रश के टिप को स्ट्रेट रखना है और पानी हमें बहुत कम यूज़ में लेना है उस टाइम पे, अदरवाइज़ जो भी हम कलर कर रहे हैं वो फैल जाएगा। तो आपको बहुत स्मूथली इसे करना है, और आप अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो आप टिश्यू पेपर की हेल्प से उसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद आप ब्रश के टिप को जस्ट आपको थोड़ा सा स्ट्रेट रखना है और ब्रश के टिप को बहुत ही लाइट प्रेशर से आपको उसे मैनेज करना है।
ब्लश के लिए आप उस एरिया को थोड़ा सा वेट कर लीजिए और उसके बाद बहुत ही थोड़ा सा रेड कलर लेके उसे इवनली स्प्रेड करना है और टिश्यू पेपर की हेल्प से उसे एब्जॉर्ब करते जाना है। जिस भी पोर्शन में हमें कलर करना है उसे पहले पानी से वेट कर लेंगे, उसके बाद में हम कलर यूज़ में लेंगे। बालों के कलर के लिए मैं फर्स्ट लेयर येलो, देन सेकंड लाइट ब्राउन एंड थर्ड वन इज़ ब्लैक कलर। येलो कलर में इसलिए यूज़ ले रही हूँ ताकि उससे थोड़ा सा हेयर में शाइन रहे, क्योंकि हम यहाँ वाटर कलर यूज़ में ले रहे हैं तो येलो कलर फर्स्ट यूज़ में लेने से थोड़ा सा शाइन रहेगा। और जहाँ जहाँ हमें येलो कलर करना है पहले हम येलो कलर फिल कर लेंगे, लाइक ज्वेलरी, धोती एंड नेकलेस। और ध्यान रखिए कि जो भी फर्स्ट लेयर आप जब भी कर रहे हैं वो थोड़ा लाइट ही करें, ताकि हम जब सेकंड लेयर उस पर करें तो वो थोड़ा सा लुक उसमें अच्छा दिखाई दे। अब मैं हेयर कंप्लीट कर रही हूँ, जहाँ जहाँ डार्क है वहाँ पहले ब्लैक से हम कलर कर लेंगे और जो लाइट जहाँ पर थोड़ा सा शेडिंग पार्ट कम है वहाँ हम स्पेस ब्लैंक छोड़ देंगे, ताकि हम उसे बाद में उसे शेडो के थ्रू उसे कंप्लीट कर पाएँ। तो फर्स्ट लेयर हमें लाइट करनी, उसके बाद हम धीरे धीरे लेयरिंग के थ्रू बालों को शेप देते जाएंगे और साथ के साथ उसे कर्ल्स भी देते जाएंगे। ज्वेलरी में मैंने वापस से सेकंड लेयर की है, उसके बाद हम उसे शेडो देने के लिए, शेप देने के लिए डार्क ब्राउन कलर यूज़ में ले रहे हैं और हम ऐसे ही शेप देते जाएंगे उन्हें पर्ल्स का। और जो भी हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी वो हम पतले ब्रश से हम उसे शेप देते जाएंगे। सो टियारा कंप्लीट करने के लिए मैंने स्किन कलर यूज़ में लिया है, बस मैं इसे नॉर्मली शेप दे रही हूँ। उसके बाद
रफली इससे पेटल्स ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा सा डार्क शेड लेके, और फिर आप या तो उसे पेंसिल कलर या फिर नॉर्मल किसी भी कलर के थ्रू आप उसे शेप दे सकते हैं, और कलर आप अपनी चॉइस का चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप उस कलर से टियारा बना सकते हैं। मोर पंख कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट येलो देन ग्रीन कलर यूज़ में लेंगे, उसके बाद उसे थोड़ा सा डार्क करके ब्लू कलर यूज़ में लेंगे, और लास्ट हम पर्पल कलर से उसे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। एज़ पर इमेज जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लरी है, हम तो फर्स्ट जो बैकग्राउंड इसे वेट करके बहुत ही लाइट हम उसे स्प्रेड करेंगे कलर्स को, और आप उसे ग्रीन ब्लू या फिर आपको अगर कोई फ्लावर्स बैकग्राउंड में देने हैं तो बहुत ही लाइट हम उसे फ्लावर्स में भी शेप में दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब हम लास्ट फिनिशिंग के लिए जहाँ जहाँ हमें ब्लैक कलर या फिर जहाँ हमें थोड़ा सा डार्क चाहिए होगा वहाँ हम एक बार वो लास्ट फिनिशिंग के लिए कलर कर देंगे। जैसे लिप्स में हमें थोड़ा सा डार्क कलर करना है तो मैं स्लोली स्लोली उस पर लेयरिंग के थ्रू रेड कलर यूज़ में ले रही हूँ। अगर आपने मेरा पेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी, और जो भी उसके साथ में जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट तिलक कंप्लीट होने के बाद में हम इसे थोड़ा सा जैसे कि अगर फेस पे लाइट आती है तो थोड़ा सा शेडो बनता है, तो उसके लिए बहुत ही लाइट हम ब्लैक कलर यूज़ में लेंगे जो आउटलाइन करेंगे उससे। तो हमारे क्यूट से कृष्णा कंप्लीट हो गए हैं, अगर आप ये ट्राई करें तो प्लीज़ डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम प्लीज़ Swati Art and Soul, and thank you so much for all the love and support you are sharing it to my channel. Keep watching Swati Art and Soul.